हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज हम बेबी पैरेट का दूसरा पार्ट लेकर आए हैं और इसमें बताएंगे कि हम आप बेबी पैरेट को फ्री फ्लाई ट्रेनिंग का पहला स्टेप कैसे करवाएं। तो आपने पिछली वीडियो में देखा होगा कि कितने एज का बेबी पैरेट लेना है आपको। उस एज का बेबी पैरेट लेने के बाद हम उसको अपने हाथ से हैंड फीडिंग कराएंगे, और हैंड फीडिंग कराने के बाद जब वो आपका हाथ से खुद से मतलब अपने हाथ से फीडिंग कराते कराते वो आपको फीडिंग आपसे मांगने लगे, तो समझो आधी फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गई है। और किस तरीके से फीडिंग मांगता है चलिए हम आपको दिखाकर बताते हैं। तो गाइज, ये रहा बेबी पैरट। इस एज का बेबी पैरट हमें लेना रहेगा, और ये एक दिन फीडिंग कराने के बाद ये खुद से ऐसे ही फीड मांगने लगा है। तो समझो कि इसकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई है, और ये जब आपसे फीड मांगे तो इसको फीड कराते वक्त कुछ दूर पे बैठ के इसको फीड कराएं। और कुछ दूर बैठकर इसको फीड कराएं। फीड कराने का मतलब उसको बुलाएं अपने पास। और इसका भी फर्स्ट टाइम है तो उतना अटेंशन नहीं है इसका मेरे तरफ, और धीरे धीरे अटेंशन हो जाएगा। इसी तरह इसकी ट्रेनिंग करवाते रहें। तो ये देख सकते हैं धीरे धीरे चलकर मेरे पास आ रहा है। जब ये आपके पास आए तो उसको कुछ इस तरीके से खिला दे। और अभी तो ये काफ़ी बड़ा हो गया है तो इसको खिलाएं। खाने में ये चने की दाल भिगो कर दे रहे हैं, और चने की दाल खिलाने के बाद इसको 2-3 सिरिंज सादा पानी पिला देते हैं, जिससे ये पानी गर्मी है तो पानी इसकी बॉडी में लेवल बना रहे पानी का। और इसको जब भी खिलाएं तो कुछ दूर इसको बुला के, नाम लेकर बुलाएं। तो फिलहाल मैं सीटी ही मारकर बुला रहा हूं, और आप लोग कमेंट करके बताएं कि इसका नाम क्या रखें। तो ये स्टेप बाय स्टेप चल के आ रहा है, और इसका फर्स्ट डे है, सॉरी सेकंड डे है। तो धीरे धीरे इसकी ट्रेनिंग अगर बराबर होती रहेगी तो ये सीख जाएगा, और जब भी ये चलकर आए अपने पास तो इसको कुछ ना कुछ इसको खिलाते रहें। और ज़्यादातर इसकी ट्रेनिंग सुबह में करवाएं, क्योंकि सुबह में ट्रेनिंग करवाने से ये काफ़ी जल्दी और अच्छी तरीके से सीखते हैं। तो सुबह में ट्रेनिंग करवाने का काफ़ी अच्छा फायदा रहता है। तो थोड़ा बहुत इसको इधर खिला देते हैं, फिर इसको दूसरी जगह से बुलाते हैं इसको, क्योंकि मेन चीज़ यही है जब ये खुद आप चलकर आपके पास आने लगे तो समझिए ट्रेनिंग काफ़ी अच्छी चल रही है इसकी।
फ्रेंड्स इसी तरह इसकी ट्रेनिंग देनी रहेगी और इसी तरह करवाते रहे ट्रेनिंग जब तक ये उड़ने के काबिल ना हो जाए। धीरे धीरे जब ये उड़ने लगे तो इसको थोड़ी दूर या थोड़ी ऊंची जगह पर रखकर इसकी फ्री फ्लाई मतलब अपने पास ऐसे बुलाएं तो ये उड़ के आने लगेगा। तो ये उड़ के जब आने लगेगा तो धीरे धीरे ये फ्लाइट टाइम हो जाएगा। तो कंटिन्यू इसकी वीडियो मैं डालता रहूँगा और आप लोग को अपडेट देता रहूँगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।